संगम पार्क वार्ड नंबर 76 एनसी आम आदमी पार्टी के पार्षद रिंकू माथुर ने अपने क्षेत्र के छठ घाटों पर फॉगिंग करवाई। ये आप देख रहे हैं, किसी भी तरह से डेंगू मलेरिया आदि मच्छर हैं जो इन बीमारियों को फैलाते हैं, उनका लार्वा छठ घाट के आसपास ना पनपे। श्रद्धालुओं की इस सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम की तरफ से रिंकू माथुर ने ये फॉगिंग यहाँ पर करवाई है। साथ में दवाई का भी छिड़काव करवाया गया घाटों के आसपास में और सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। रिंकू माथुर का ये दावा है कि वो अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर छठ घाटों के आसपास पूरा ध्यान रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसका वो पूरा ख्याल रखेंगे। श्रद्धालुओं को भी, दिल्ली में डेंगू का प्रकोप आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार डेंगू से मौत के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में डेंगू से सावधान रहना जरूरी है, इसलिए इन्होंने छठ घाटों के आसपास फॉगिंग करवाई ताकि कोई डेंगू का लार्वा ना पनपे, डेंगू का कोई मच्छर या मलेरिया फैलाने वाला कोई मच्छर वहाँ पर पैदा ना हो और श्रद्धालुओं को कोई बीमारी ना आए। इसी को देखते हुए यहाँ पर फॉगिंग करवाई जा रही है संगम पार्क एरिया में, जो कि वार्ड नंबर 76 के अंतर्गत आता है। और रिंकू माथुर यहाँ से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं।